साथियों गुड मॉर्निंग नमस्कार। मेरे मोबाइल पर अभी एक सूचना आया है कि पानी टंकी जो है, अच्छा रुक जाओ भाई, अभी का कॉल आया था। तो पहले तो हैप्पी दिवाली, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं जो हम लोग को पानी पिलाते हैं, यानी पानी सप्लाई देते हैं, जल ही जीवन है। और कहाँ सांप देखा गया? वो अंदर में दरवाजा जैसे खोले उसके अंदर में। अच्छा, और ये है हमारे अशोक भैया जो हमारे घर में रोशनी पहुंचाते हैं, इलेक्ट्रिक विभाग से जुड़े हुए हैं। और आप हैं, आपका तो जवाब ही नहीं, जब भी लाइन कटता है तो इन्हीं का ही याद आता है कि भाई कहाँ गए, कब इन ये हमारे घर में आएंगे। तो ये जितने भी हैं सब हमारे कार्यकर्ता हैं। तो कहाँ सांप देखने चलिए, तो हमें दिखलाइए तो कहाँ पर। दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, किसी भी रेस्क्यूअर को अगर चाहिए तो ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चाहेंगे कि भाई आप लोग पहले चलिए कहाँ पर सांप है पहले हमको दिखलाइए। पुणे में है, कैमरामैन कैमरा को लेके आई, कहाँ देखा गया? यहाँ से। अच्छा, यहाँ मतलब क्या दरवाजा खोलने साथ ही। अच्छा, तो पहले आप हमको इंस्ट्रूमेंट ये पकड़िए, जरा देखने दीजिए इसके अंदर देखा गया है। हाँ, वेरी बिग साइज फॉरेस्टर्न कैट स्नैक। ये सांप बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा फॉरेस्टर्न कैट स्नैक नहीं मिलता है। ये पता नहीं चारों तरफ हमको लग रहा है फॉरेस्ट एरिया है, इसीलिए ये यहाँ छुपा हुआ है। ये सेमी वेनमस है। कौन वेनमस है? सेमी वेनमस। चलिए बाहर चलिए। ये सेमी वेनमस है, ये हल्का जहरीला है। क्या है? हल्का जहरीला है, बट नॉट डेंजरस वुमेन। इंसानी शरीर में जहर का असर नहीं होगा। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आओ देखो सामने आ जाओ। बच्चा लोग देख रहा है, ये एक ऐसा सांप है कि ये ज़्यादातर छोटे छोटा स्मॉल चूहा को, खास करके पक्षी का बच्चा को खा लेता है। और ये हल्का जहरीला है। ऐसे गांव घर में हम लोग इसको पताड़ चीती भी कहते हैं, गांव घर का भाषा में। लेकिन अगर आप सच देखो तो इंग्लिश में इसे फॉरेस्टर्न कैट स्नैक के नाम से जानते हैं। गूगल ऐप पर अगर आप फॉरेस्टर्न कैट स्नैक लिख दे रहे हैं तो इसका फोटो आ जाएगा। और ये हल्का जहरीला है, ये अगर किसी इंसान को काट ले तो जहर का असर नहीं होता है। ज़रा हम देखना चाहते हैं, आप लोग डरिए मत, वीडियो का आखिरी तक बना रहे हैं, क्योंकि इसके काटने से इंसानी जहर शरीर में जहर का असर नहीं होगा। और दोस्तों इतना बड़ा हमने अपने लाइफ में बिग स्नैक, फॉरेस्टर्न बिग स्नैक नहीं देखा है। फॉरेस्टर्न बिग कैट स्नैक बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर है। और इसे हिंदी में बड़ा बिल्ली सांप भी कहते हैं। क्यों? कि देखिए इसका जो आँख है ना, बिल्ली की तरह है। ध्यान से देखिए, कैमरा को ले आइए, करीब ले आइए, एकदम सामने से देख लाइए। ये बड़ा बिल्ली सांप भी हम लोग कहते हैं, देख रहे हैं ना, इसका जो आँख है बिल्ली की तरह है, इसीलिए बड़ा बिल्ली सांप भी कहते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग को बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अच्छा पंचेतवासी सांप नहीं मारा करते हैं, देख रहे हैं ना, हमारे पंचेतवासी सांप नहीं मारा करते हैं। और ये जो जुड़े हुए हैं बस्ती से, तो रूरल क्षेत्र में कभी कभी हमने देखा है कि ये खुद सांप एक दो पकड़ करके और ये डब्बा में लॉक करके हमारे यहाँ पहुँचा भी देते हैं। तो हाँ, दिस इज़ वेरी कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और शायद दोस्तों ठंडी बढ़ रही है, अब सांप रेस्क्यू का काम धीरे धीरे मेरा वीक पड़ जाएगा, यानी बंद पड़ जाएगा। तो एक बार ये किधर से आया है ये हम देखना चाहेंगे, ये साइड में दिखलाइए। हमें ऐसा लगता है कि एरिया में काफ़ी जंगल झाड़ है ना, और फॉरेस्ट एरिया होने के कारण ये कभी कभी इंसानी बस्तियों में आना शुरू हो गया है। इसीलिए सेव ट्री सेव लाइफ, सेव ड्राइव सेव लाइफ। तो ये बिल्कुल जहरीला सेमी वेनमस, हल्का जहरीला है। और इसके ऊपर क्या है, मुंह जो होता है इसके जबड़े के ऊपर दो विष दंत है अंदर की ओर, लेकिन ये जल्दी बाइट नहीं करता है, ये जल्दी काटना नहीं चाहता है। इसे हम कोशिश करेंगे बड़ा फॉरेस्ट एरिया में रिलीज कर दें, ताकि प्राकृतिक परिवेश में ये आराम से बच जाए। इन्हीं साफ शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।